नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जहां पूरे प्रदेश कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं जिला मुख्यालय शहडोल में भी पारा 4 से 5 डिग्री पहुंच गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस कड़ाके की ठंड में नगर पालिका शहडोल इतना उदासीन है कि कहीं पर अलाव है तो कहीं लकड़ी नहीं, लकड़ी है तो गीली। आखिर अलाव जलाने में इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? जिले के अतिसंवेदनशील कलेक्टर ललित दाहिवा ने नगर पालिका के अधिकारियों को बीते दिनों स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अलाव हर हालत में जलना चाहिए, लेकिन नगर पालिका शहडोल कलेक्टर के निर्देशों को ही दरकिनार कर दिया। आज जब हमारे प्रतिनिधि ने स्थानीय गांधी चौक में जाकर देखा तो अलाव ही नहीं जल रहा था। मुसाफिर, गरीब, रिक्शा चालक जो रात में रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सुबह घर जाते हैं, वे लोग ठिठुरते हुए देखे गए। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन नगर पालिका के खिलाफ क्या कदम उठाता है। पेशे शहडोल से अमिताभ शर्मा की एक खास रिपोर्ट। कितनी लकड़ी गिराने का वो है? तीन लकड़ी। पतली पतली? नहीं सर, पतली बची है, बचा गई। नहीं तो मोटी लकड़ी गिराने का है कि पतली गिराने का है? मोटी लकड़ी। तो कहाँ है मोटी? वजन कितना होना चाहिए? वजन कितना होना चाहिए? 50 किलो। वजन नहीं पता सर, उसमें देखिए ना कितनी लकड़ी। चलिए देखिए आप, नेहा नगर आज अलाव की व्यवस्था नहीं की है नगर पालिका? लकड़ी आई नहीं भाई, गिरी नहीं, उठा के ले गए। तो आज ऐसे रहेगा, अलाव नहीं जलेगा? अब ये भगवान जाने। हमारा नाम DR विनोद सेन है। कहाँ के हो? रीवा के, उद्घाट आजार नगर। यहाँ कैसे खड़े हो? यहाँ आए थे एक जन अधिकारी को गाड़ी छोड़ने, सिटी कोतवाली के पास, और बस लेट थी तो ठंडी में परेशान थे, आगे पर रही तो ताप रहे हैं। ये तो इसमें कागज जल रहा है, लकड़ी दिख नहीं रही है। लकड़ी ये शासन काम है कि मंगाए कि 2 क्विंटल रखे, पब्लिक परेशान ना हो, मर यही पब्लिक ठंड में, तो फिर शासन का कर। 24 घंटे आदमी आवाजाही रहता, लकड़ी मंगाए के नगर निगम रखे, शासन रखे, पब्लिक की सेवा करे। भैया आप पूर्व पार्षद हैं जी, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जी मध्य प्रदेश में जी। नगर पालिका शहडोल की अध्यक्ष भाजपा की हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, और स्थानीय गांधी चौक में अलाव की व्यवस्था नहीं है इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल सही बात है आपने बताया, और ये सामने सामने भी दिख रहा है, और इस कड़कड़ाती ठंड में, जबकि पूरा प्रदेश भीषण ठंड के चपेट में है, और शहडोल नगर पालिका अगर अलाव नहीं जलवा पाई तो ये बहुत ही घोर लापरवाही और बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि इस ठंड में, इस गांधी चौक में जो रिक्शा वाले हैं, जो रात में सवारी का इंतज़ार करते हैं, या ऑटो वाले हैं, या अन्य जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो कम से कम उसके ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती रही है इसके पूर्व भी हमेशा, इस बार नहीं की गई। निश्चित रूप से घोर लापरवाही का परिचय है और गंभीर बात है ये। और अब आपने अभी कहा है तो कल मैं खुद भी कलेक्टर साहब से स्वयं इस विषय पर चर्चा करूँगा कि आखिरकार हमारे जिलाध्यक्ष मतलब कलेक्टर महोदय इतने संवेदनशील है और इस व्यवस्था का कैसे उनका ध्यान नहीं गया, ये भी बड़ी चिंता की बात है। और मैं स्वयं उनका इस ओर ध्यान दिलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द अलाव जलाया जाए। आपका पूरा नाम? ओमकार प्रसाद शर्मा। यहाँ नगर पालिका अलाव की व्यवस्था की है? व्यवस्था करती है, जब रात में पब्लिक चली जाती है। लकड़ी कितनी रहती है? 3 नग मात्र। मात्र अभी हमारे प्रतिनिधि ने देखा कि यहाँ मुसाफिर पन्नी और कागज लेके अलाव जला रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि वो ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो मुसाफिर कुछ ना कुछ तो व्यवस्था अपने हिसाब से करेगा। अब चूँकि यहाँ पन्नी फालतू बाग प्रतिबंधित पन्नी, वो भी नगर पालिका की जवाबदारी है कि पन्नी यहाँ पे नहीं बा वो होनी चाहिए, उसको भी नगर पालिका कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो कम से कम पन्नी के ही, नगर पालिका के ही 100 जन से पन्नी जल रही है। भैया आप कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष थे, यहाँ नगर पालिका में नगर पालिका ने अलग व्यवस्था नहीं की है, आपका क्या कहना है? नगर पालिका को अलाव की व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनका इस ओर रुझान बिल्कुल नहीं है, और ठंड का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप है, इसलिए अलाव की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मुसाफिर और गरीब रिक्शा चालक इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? आपका कहना बिल्कुल
सही अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। हमको कुछ बात नगर कमेटी में जरूरत महसूस हो रही है, आप होना चाहिए और आपके माध्यम से हम नगर पालिका सच में संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर व्यवस्था करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम खड़े हैं इंदिरा चौक में, यहाँ नगर पालिका अलाव की व्यवस्था की है लेकिन गीली लकड़ी दी है। आपका क्या नाम है? गोलू मिश्रा। क्या कहना है आपका? अरे पूरी गीली लकड़ी तीन दिन जब भी आ रही पड़ रही गीली लकड़ी आ रही है और एक तो आती नहीं है डेली लकड़ी, हम लोग खरीद के अभी तक जला रहे थे, अभी दो तीन दिन ही हुआ है आते हुए लकड़ी बुढ़ार चौक में। इसके पहले लकड़ी नहीं गिराई नगर पालिका? नहीं, तीन दिन चार दिन हुआ ही लकड़ी गिराते, बाकी हम लोग खरीद के लकड़ी जलाते थे। वो भी गीली लकड़ी दिए हैं? हाँ पूरी गीली लकड़ी, आप तो देखिए ना टायर ट्यूब लगा के जलाई जा रही है। टायर ट्यूब लगा के जला रहे हो लकड़ी? हाँ डेढ़ दो घंटे हो गए जलाते जलाते थक चुके हैं। गोलू मिश्रा का कहना है कि हम टायर ट्यूब लगा के जला रहे हैं लकड़ी, नगर पालिका पूरी गीली लकड़ी दे रही है। आपका क्या नाम है? क्या कहना है आपका इसमें? नहीं तो इनका कहना है कि गीली लकड़ी दे रही है नगर पालिका। सुदर्शन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बाबा जी क्या नाम है? हम मंदिर से आ रहे हैं। मंदिर से आ रहे हो जी, मांग के? मांग के रात में यहीं रहोगे? नहीं घर जा रहे हैं। घर जाओगे? लकड़ी कैसी, सूखी है कि गीली है? ये अभी तो रबड़ जल रहा है सर। रबड़ जल रहा है जी। मतलब लकड़ी गीली है? जी हाँ, लकड़ी अगर सूखी होती तो ये बात पकड़ लेती। अच्छा